गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग का ट्रिप है, आज हम लोग ऑफिस से सब भी बंदा लोग मारे हैं और आज निकल रहे हैं नेपाल ट्रिप के लिए। और इस गाड़ी से हम लोग आए हैं, लेकिन कुछ स्टाफ लोग यहाँ बढ़ गया है, तो अभी तो ये वाला गाड़ी हम लोग लेके आए हैं। ये सामने अभिषेक जी खड़ा है और अभिषेक जी का ही मेन प्लान है कि हम लोग चले नेपाल घूमने के लिए। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग में हम लोग ये रहेगा। आजकल होलीडे भी है, संडे है, तो आप लोग भी एंजॉय कीजिए इस ब्लॉग का। अभी हम लोग निकल चुके हैं, क्या बात, इनोवा क्रिस्टा लेके अभिषेक जी ड्राइव कर रहे हैं। अभिषेक जी देख के पीछे मबू भाई बैठे हैं, तरुण भाई पीछे बैठे हैं। आप लोग बोलिए कुछ। सबको यार बैटरी डिस्चार्ज हो गया, वहाँ जाके चार्ज करेगा। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं और ये आनंद जी ड्राइविंग से विराजमान हुए हैं। पीछे चले गए अभिषेक जी, महबूब जी, और पीछे दोनों भाई लोग बैठा हुआ लोग। इस गाड़ी में सबको कंफर्ट फील कर रहा है, वैगन आर में सबको बोरा जैसे लगा लिया। इस प्लानिंग का डायरेक्टर है अभिषेक जी, यही पटकथा लिखे हुए हैं कि चलना है घूमने। कितना बजे हम लोग पहुंच जाएंगे आनंद जी? कितना बजे हम लोग पहुंचेंगे? हम लोग 7:30 तक पहुंचेंगे। 7:30 में बॉर्डर हम लोग पार करेंगे। 8 बजे से पहले जाना होगा ना बॉर्डर, नहीं तो इधर ही रह जाना पड़ेगा। दोस्तों, आप लोग भी कभी भी नेपाल जाइए तो कोशिश कीजिए कि 8 बजे से पहले बॉर्डर पार कर जाए। 8 बजे के बाद बॉर्डर बंद कर दिया जाता है। बंसार भी कराना हो तो पेपर वर्क भी करना होगा ना, पेपर वर्क करना होगा। यहाँ अधिक भीड़ आता है क्या? इंटरनेशनल बॉर्डर है। चलिए चलते हैं लोग आगे का, फिर वीडियो बनाते हैं, देखते हैं। टाइम हो रहा है 6:30, 6:24। हम लोग छपुआ से निकल चुके हैं रक्सौल के लिए। रक्सौल बॉर्डर पे वहाँ पे बंसार किया जाएगा, उसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे नेपाल में। यहाँ से लगभग 33 किलोमीटर है, 33 किलोमीटर छपुआ चौराहा से रक्सौल पड़ेगा। लगभग आधा घंटा 35 मिनट लगेगा गाड़ी से जाने में। रोड कहीं कहीं बन रहा है, अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कहीं कहीं खराब है, वरना सब जगह अच्छा ही दिख रहा है रोड। इस रूट में पहली बार हम निकले हैं पहली बार। आप लोग तो गए हैं ना जी? और लोग गए हैं लो भाई लोग, हम पहली बार निकले हैं। महबूब भाई एकदम मुस्कुरा रहे हैं, देखिए इनको। आप गए हैं महबूब भाई? हाँ। इस रूट में कितना बार गए हैं? दो बार गए हैं, तीसरा है। गाड़ी इन्हीं का है इनोवा। गाड़ी ओनर पीछे बैठे हैं। छह 6:25 हो रहा है, हम लोग कितना देर में पहुंचेंगे? आधा घंटा लगभग, 7:15 में पहुंच जाएंगे। 8 बजे पहले हम लोग को एंट्री करना है, वहाँ पेपर भंसार भी कराना होता है गाड़ी का नेपाल जाने के लिए, दूसरे कंट्री में जाने के लिए। तो पेपर वहाँ पे गाड़ी का पेपर और हम लोग का भी पेपर लगेगा, हो आई कार्ड वगैरह, सिर्फ गाड़ी का पेपर लगेगा ना। उसमें एंट्री कराना होगा क्या कि कितना लोग जा रहा है इस गाड़ी से? नाम लिखवाना होता है कहीं कहीं रोड बन रहा है, डाइवर्सन का बोर्ड लगा है। गाड़ी का शीशा थोड़ा सा गंदा हो गया। रोड दोस्तों एकदम चकाचक है, शाम का संध्या का समय, गाड़ी एकदम भागती हुई चला रहे हैं। कैमरा ठीक है, चारों तरफ भरा भरा जंगल है। 6:37 हो रहा है और छपुआ से हम लोग का निकले हुए हो गया 10-12 मिनट। जल्दी हम लोग रक्सौल पहुंचेंगे। अभिषेक जी, लोग आने का कब प्लान है भाई? कल शाम तक घर। कितना बजे तक हम लोग आ जाएंगे?
परसों तो ऑफिस पकड़ना होगा ना, आनंद जी के एडिशनल नहीं मिल पाएगा, पहुंचेंगे तो क्या हो ना, बिल्कुल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए सेलिब्रेटेड है क्या मंडे, नहीं मंडे के बाद होगा ना, आज तक तो मशीनें चला है ना, सुबह के बाद नहीं होगा, अरे होगा यार, मंगल तक लास्ट डेट होगा क्या, हमारे यहाँ अधिकतर लोग कटवावे करते सब जगह वही है, चारों तरफ हरा भरा खेत, टाइम हो रहा है 7:07, इधर कहाँ सर दिख रहा है, पूरा सन्नाटा दिख रहा है, कौन जगह है अभिषेक जी, बाईपास देखिएगा यहाँ पे, ये डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, बॉर्डर पे साइड से, बॉर्डर पे हम लोग चल रहे हैं ना, सीधे नहीं चल सकते हैं, कहाँ जाइएगा, यही ना यही से नहीं ना, जैसे ही नेपाल में घुसेगा लाइट ही लाइट दिखेगा, बिहार में अंधेरा है ना लाइट, नेपाल में घुसेंगे लोग लाइट दिखेगा, हो नेपाल में तो लाइट अच्छा रहता है ना, बिजली अच्छा रहता है, कटता ही नहीं है तो, वहाँ पे हाइडल वाला ज्यादा अधिक सिस्टम है ना, पानी वहाँ पे अधिक है, नदी नाला अधिक है, और इसीलिए वहाँ हाइडल वाला बिजली उत्पन्न होता है, यहाँ अपने ताप विद्युत मिलता है, सन्नाटा है चारों तरफ, अंधेरा छा गया है, रात का सफर का मजा है कुछ अलग, सत्याग्रह फाइनली हम लोग पहुंच गए रक्सौल, ये रक्सौल स्टेशन है ना, क्या है बड़ा शानदार लाइटिंग, ये कौन सा जगह है, रक्सौल का दरियागंज है, पुल है रक्सौल का दरियागंज, मानसरोवर झील का कल्पना करते हैं, बात पड़ेगा पीरगंज नेपाल का बॉर्डर, और हम लोग थोड़ा देर में नेपाल में एंट्री करने वाले हैं, 7:18 हो रहा है, 8 तक हम लोग एंट्री कर पाना, तक एंट्री होता है 8 बजे, भंसार बोले के में कोई भी ना करा एंट्री, क्या हो गया भंसार पे, पर कागज दे रहा है उसको, भंसार गाड़ी के ऊपर बताओ ना कि क्या है, ये रेलवे स्टेशन है ना, साइड में देखो रेलवे स्टेशन यहाँ दिख रहा है, रक्सौल रेलवे स्टेशन, यही आगे जाके फिर बाएं मुड़ जाएगा ना, हम वीरगंज के लिए 750 मीटर, एक बार हम आए हुए हैं यहाँ पर, जब ट्रेन से आए हुए थे नगड़िया से, छोटी लाइन वाला जो ट्रेन था ना, उसी से हम लोग आए हुए थे, रेड रेल वाला ट्रेन, चलते मुदौर जब पैसा बहुत पहले लगभग 12-13 साल पहले, मजा होती है, नेपाली गाड़ी आगे है 52 श्री हीरा लाल शाहजी बगल बॉर्डर पे जो है, हीरा लाल शाहजी 5562 है ये बॉर्डर है, यहाँ पे थोड़ा दूर के बाद बॉर्डर आ जाएगा, अभी हम लोग इंडिया में हैं, कुछ ही क्षणों में पदार्पण करेंगे हम लोग नेपाल में, अरे बात का पुराना वीडियो है ना ये सब चीज भाई, आप लोग समझते नहीं है, आज तारीख है 20/8/2022 दिन शनिवार से सब रिमूव हो जाएगा आपका, जितना आवाज है सब खत्म हो जाएगा, इंडिया कस्टम नेट पुल के बाद जाएंगे, पुल के बाद ये बॉर्डर देखिए दोस्तों, इंडिया जाते हैं करो फोटोग्राफी मना है भाई, हमको नहीं लगता है, घंटा लगता है बीरगंज जाने के लिए, नहीं लगता है, लगता है अच्छा, यही से बॉर्डर है और इसके जस्ट बाद नेपाल आएगा, लेकिन देखिए इंडिया में एकदम अंधेरा है, इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ा सा इस पे ध्यान देना चाहिए, अब दाबना है यहाँ का लोकल प्रशासन को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, बॉर्डर है तो यहाँ पे कम से कम लाइटिंग वगैरह और रोड का व्यवस्था अच्छा होना चाहिए, अब देख रहे हैं चारों तरफ अंधेरा है, थोड़ा का नंबर इंडिया में लेके चल रहा है,
सामने जो लाइट दिख रहा है उधर लाइट जो दिख रहा है वो नेपाल का बॉर्डर है। यहाँ पे बॉर्डर पे वीडियो बनाना मना नहीं है? नहीं जाएगा। और जब मंदिर है चारों तरफ देखिए इंडिया का जो बॉर्डर है यहाँ पे थोड़ा गवर्नमेंट को देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, इंटरनेशनल बॉर्डर है। सामने देखिए दोस्तों जो गेट दिख रहा है बड़ा सा, यही नेपाल का बॉर्डर है और नेपाल का ही यह गेट है और यहाँ से हम लोग नेपाल में एंट्री कर देंगे। जो बड़ा सा गेट है ये देखिए गेट जो है नेपाल का, यहाँ से हम लोग अभी इंडिया में जस्ट हम लोग नेपाल में नेपाल का पुलिस फोर्स है लोग। दोस्तों अभी हम लोग नेपाल में एंट्री कर चुके हैं, ये नेपाल का भी वही स्थिति है, रोड खराब और लाइटिंग थोड़ा सा है यहाँ पे सारे बिजली के बॉर्डर एरिया में, एक किलोमीटर आगे और पीछे ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं है सिर्फ यहाँ पर है, और जगह कहाँ है? आप वाल्मीकि नगर बॉर्डर चले जाए वहाँ तो ठीक ही है। मंत्रालय का कार्यालय होता है जहाँ पे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करना होता है, पेपर जमा करना होता है, उसका जेरोक्स को भी जमा करना पड़ेगा। जेरोक्स कराए हैं उसका? अरे अबे दलाल को भेटाई 500 में इंडियन लीग करा दिया। देखिए यहाँ पर सब गाड़ी लगा है बंसार के लिए, लंबा लाइन लगा हुआ है, एक आदमी उतर के जाएगा कराएगा। ये हम बैक करके पीछे यहीं पे पीछे लगा लीजिए, जाइए भत्ता करा के। टाइम हो रहा है 7 पक्का बता लीजिए, 7:30 में हम लोग आ गए हैं। फॉर्म ना भरे मैं फॉर्म का भर वही सब भर देंगे, गाड़ी नंबर बता दीजिए अपना। चले जाइए मुरारी जी, आपको आइडिया होगा ना, आप आए हैं हमेशा इधर। चलो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बॉर्डर पे और भंसार के लिए जा रहे हैं। एक बंदा मिल गया भंसार कराने के लिए, देखिए ये 350 रुपये लग रहा है ना, 500 नेपाली और एनसी इंडिया वीडियो मना है। अच्छा ठीक है, अंधेरा है दोस्तों और बता रहे हैं भैया कि वीडियो बनाना मना है। चलिए संडे छुट्टी रहता है ना, इसमें में हम लोग एंट्री कर लिए हैं नेपाल में, चलते हैं। हम लोग कहाँ चल रहा है? आठ बजे से पहले हम लोग एंट्री कर चुके हैं। रोड इधर का भी बहुत अच्छा है, एकदम सन्नाटा है, दुकान चारों तरफ है, नेपाल बंदी है, सैटरडे को बंद रहता है नेपाल में। सैटरडे से हम लोग संडे को बंद रहता है, इंडिया में संडे को बंद रहता है, नेपाल में सैटरडे को सारे सैटरडे लाइन नंबर है भाग लीजिए। सन्नाटा है, 8 बजे ही देखिए पूरा सन्नाटा हो गया है। बॉर्डर एरिया है तो थोड़ा सा चहल कदमी रहना चाहिए, यहाँ पे जंगल एरिया सन्नाटा है, इस रूट पे बहुत शांति है, केवल गाड़ी मिलेगा आपको देखेगा सामान फुल स्पीड में चल रही है। सुनौली रोड पे चले सामान नेटवर्क खत्म हो गया है इंडिया का पूरा, जियो एयरटेल खत्म हो गया, बोला नेपाल का सिम है महू है तो है ना नेपाल चालू है ना डेटा है उसमें डीजल लेना होगा ना? नहीं डीजल अभी क्या होगा, दो डीजल लिया गया है, अभी क्या होगा सब बनता है डीजल पे, टंकी में तो डीजल है ये है बहुत है, पेट में डीजल है ना, पेट वाला डीजल अभी कहाँ बना अभिषेक जी लेंगे पेट वाला डीजल, तीन नंबर मेला लगा हुआ है। क्या चीज का मेला है ये? लगता है जन्माष्टमी का मेला है, नेपाल में जन्माष्टमी का मेला है। यहाँ क्राउड है लोगों का, देखिए भीड़ है, सभी लोग मेला करने जा रहा है। हम लोग लेट से बॉर्डर एंट्री किए हैं, थोड़ा ऑफिस में हम लोग थे, ऑफिस में लगभग 4 बजे से निकलवे किए हैं, 4 बजे से हम लोग निकले हैं, पहले निकलना चाहिए था क्या अभिषेक जी? हम लोग 12-1 बजे तक एंट्री कर जाते बॉर्डर में, पहले ही ताला लटका के चलते, क्राउड है चारों तरफ, कोई है का बाबा विश्वनाथ है यहाँ पे बम बम भोले। अरे वहाँ पर नहीं है तो वहाँ आगे थोड़े पलाएंगे। घंटा घर किधर है वो? पपनैया में है, पाचन का होटल इधर नहीं मिलेगा ना। नेपाल की सड़कों पे, नेपाल की धरती पे हम लोग विदेश में हैं, तिम्रो हमरो करते हुए हम लोग जा रहे हैं। हाँ बोलो तिम्रो तपाई को
ना सब एक ही भाव है हजूर। यहाँ से लगभग हम लोग 50-60 किलोमीटर दूर आज नाइट स्टे करेंगे और मॉर्निंग में घूमेंगे, कोई अच्छा सा रिसोर्ट देख के ठहरेंगे लोग। लगभग 4 बजे हम लोग निकले हैं वहाँ से ऑफिस से और यहाँ 8 बजे हम लोग बॉर्डर क्रॉस कर लिए, बॉर्डर पार करके हम लोग निकल चुके हैं अपने गंतव्य के लिए। कोई प्लान नहीं है कहाँ जाना है, जहाँ विचार वहाँ हम लोग चल जाएंगे। एक एक एग्जैक्ट जगह प्लान में नहीं है कि हाँ कि यहाँ जाना है, यहाँ पे नेपाल या हॉस्पिटल जैसे कहाँ जाना है, लेकिन चितवन जंगल, लेकिन रात हो जाए तो बीच में हम लोग मॉर्निंग में हम लोग चलेंगे जंगल सब घूम लिया, आने दीजिए मंथन में बना के खाया जाएगा सड़क एकदम शांत, सड़क ठीक है, पूरे स्पीड में गाड़ी चल रही है। तरुण भाई सो गए क्या, घर पे बात कर लिए है ना, हॉस्पिटल है इसलिए यहाँ हॉस्पिटल बहुत बड़ा बड़ा है ना, देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा बिल्डिंग है, लेकिन लाइट इसमें नहीं, इतना बड़ा चीज है, लाइट बहुत बाहर कम रहता है, लाइट ही करना चाहिए। नेपाल में ट्रैफिक रूल में सुने की ज्यादा हॉर्न भी नहीं बजाया जाता है, देखिए ना देखो पुलिस निकल पकड़ लिया, यहाँ हॉर्न यूज नहीं किया जाता है, नाइट में कि दिन में भी, दिन में बजा सकते हैं, अधिक ट्रैफिक रहने पे आप यूज कर सकते हैं, रात को ओवरटेक नहीं कर सकते, रात को तो साफ़ नहीं यूज कर सकते हैं, डीपर से काम चलाइए। चलिए ये तो कम से कम नियम अच्छा है, अपने यहाँ पोंपू पोंपू रात में भी आएगा बिना मतलब का पोंपू पोंपू बजाते रहेगा, इधर देख रहे हॉर्न नहीं दे रहा है, सभी गाड़ी अपने स्पीड स्मूथली स्पीड पे चल रहा है। महेंद्र राजमार्ग, राजा महेंद्र राजमार्ग, इसी होटल में लोग थे, होटल मुस्तांग जो है, जो फाइल साइन किया था क्या, कोका कोला दीप होटल है, होटल यहाँ सिर्फ होटल ही है ना ठहरने वाला, ये चौराहा है ठहरने के लिए दोस्तों, यहाँ पर है छोटा 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 है लेकिन बेकार है, मच्छर काट लेते हैं, एसी तो लगाया है, पता लगे जंगल में हम लोग एंट्री कर रहे हैं, कौन सा जंगल है, टॉपी तेई में है, चितवन जंगल है, चितवन जंगल, चितवन वो हम लोग मदनपुर वाला ही भाग है, चितवन जंगल, अबे वो बाघ टपित जंगल है यार, भाई के लगे दिन में दिखता पूरा चारों तरफ पेड़ है, दिन में बहुत सही लगता है, समझिए कितना किलोमीटर है जंगल में, हम लोग 30 किलोमीटर 20-25 किलोमीटर से चलेंगे लोग जंगल में, जंगल में अच्छा जंगल के बाद ही चालू वाला है अभी, हाँ एक नंबर दो नंबर तीन नंबर, हाँ ये क्या है, एक नंबर कोला, एक नंबर कोला दो नंबर कोला, कोला जंगल के बीचों बीच से रास्ता है, सड़क है, कबाब बहुत बड़ा ये जंगल है, इसका भाग जो बिहार का जो वाल्मीकि नगर का है, वाल्मीकि नगर वाला जंगल ही पार्ट है। यहाँ पे देखिए कितना चढ़ाई और मोड़ है, तो बहुत खतरनाक चढ़ाई, आगे से भी गाड़ी आएगा, बगल में नाला है, देख के चलना है आनंद बाबू, पहाड़ पे हम लोग चढ़ रहे हैं ना, पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, हथौड़ा हम लोग पहुँचने वाले हैं, और यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर है, नाइट स्टे हम लोग वहीं करेंगे हथौड़ा में, यहाँ मेरे घाटवा एकदम पहाड़ों में घुसल रहा है, तो भाग जाएंगे हम, सो रहा भी नदी के किनारे हम लोग, 9 बजने वाला है, 1 घंटा लगेगा, 3 नंबर है इससे बनाइए ना, 3 नंबर हथौड़ा में सभी लोग हम लोग रुके हुए हैं, यहाँ हथौड़ा से पहले 3 नंबर पुल, 3 नंबर पुल है, पहाड़ यहाँ पर बगल में है लेकिन दिख नहीं रहा इस समय, मबू भाई फोटो ले रहे हैं ना, फोटो लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग कुछ खाएंगे उसके बाद निकलेंगे, नाइट स्टे हथौड़ा में ही करेंगे लोग, 3 नंबर पहाड़ी था ना वो, खोला खोला खोला, 3 नंबर खोला पर हम लोग थोड़ा सा किए हैं, तिरंगा लगा रहा है, इंडियन गाड़ी उसके बाद निकला, अभी टाइम हो रहा है 9:32 हथौड़ा हम लोग नाइट स्टे करेंगे, यहाँ देखिए दोस्तों एकदम पहाड़ है, पहाड़ पर गाड़ी चल रहा है, गाड़ी एकदम पावर ले रहा है चलने के लिए,
यहाँ से कितना किलोमीटर होगा हथौड़ा? प्रकृति के मनोरम दृश्यों को देखते हुए हम लोग निकल रहे हैं। 10 किलोमीटर लगभग यहाँ से हथौड़ा है, प्रकृति के मनोरम दृश्य। वहाँ पे हम लोग नाइट स्टे करेंगे हथौड़ा में, देखते हैं वहाँ कौन सा रिसोर्ट या होटल मिलता है। दिन रहता तो अच्छा व्यू आता है यहाँ पे, नाइट है तो थोड़ा सा पहाड़ वगैरह जंगल नहीं दिख रहा है। कल दिन में वीडियो बनेगा, कल कोशिश करेंगे हम लोग दिखाने के लिए आप सभी दर्शकों को। हथौड़ा में होटल प्रकाश में हम लोग आज स्टे करने वाले हैं। गाड़ी पार्क होने जा रहा है, पीछे बैग होगा, आगे केबल होगा, चार्जिंग केबल ले लीजिएगा। महबूब जी, ए महबूब भाई, पीछे बैग होगा। होटल अच्छा है दोस्तों, यहाँ से सामने मेन रोड के किनारे ही होटल है और आप देख सकते हैं कि अभी तो बंद किया है, अंदर चलते हैं तो फिर दिखाते हैं आपको। होटल प्रकाश है, होटल प्रकाश। पूछते हैं हम लोग होटल के अंदर, होटल के मैनेजर और काउंटर पे है ना, क्या नाम है भैया आपका? राम बर्तोल। हम लोग का एक यूट्यूब चैनल है बिहारी रिएक्शन, यूट्यूब चैनल बिहारी रिएक्शन करके, तो ये ब्लॉग है, सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू भैया। ये भी सभी कंट्री का वॉच लगा है, घड़ी लगा, आप देख सकते हैं। होटल बहुत अच्छा है, आप लोग अभी भी आइए तो यहाँ रुकिए। होटल प्रकाश है और यहाँ पे उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी है। ये मैनेजर साहब है, क्या नाम है मैनेजर साहब का? राजेंद्र। आप कभी भी आइए दोस्तों तो यहाँ आप ठहर सकते हैं, बहुत उत्तम व्यवस्था है यहाँ ठहरने का। होटल का नंबर यहाँ पर है, देख कुछ जूम करके दिखा रहे हैं। होटल प्रकाश, ऑनलाइन बुकिंग भी करते हैं आप? मैनेजर साहब ऑनलाइन बुकिंग भी करते हैं क्या? ऑनलाइन बुकिंग होता है आपके यहाँ? ऑनलाइन बुकिंग होता है मगर सिर्फ नेपाल के लिए, हो जाएगा अदर कंट्री के लिए करते हैं कि नहीं? फोन पे तो कर लेते होंगे, फोन आके तो यहाँ कोई कर ही सकता है, खाली ही मिलता है ना। नहीं, होटल बहुत अच्छा है दोस्तों, ठहरने के लिए आप आ सकते हैं, ठहर सकते हैं। वाईफाई का पूछिए पासवर्ड उनसे, होटल का आप देख सकते हैं। एकदम शांत एरिया है, शांत जगह है, यहाँ पे कोई भीड़ भाड़ नहीं है और एकदम रोड के किनारे हैं। देखिए होटल का मेन एंट्रेंस सामने से होगा। अभी बिना खाए हुए सो जाइएगा, आपको नींद लग जाएगा। देखिए महबूब भाई बिना खाए हुए सोएंगे, साथ में तरुण जी भी जा रहे हैं, तो घर पे बात किए हैं। अब शेख भाई यहाँ कर रहे हैं कुछ बार्गेनिंग वगैरह। दोस्तों रूम दिखाते हैं आपको हम, ये हम लोग आज रूम लिए हुए हैं, दो रूम लिए हैं। रूम बहुत अच्छा है, जो बेड लगा हुआ है सिंगल सिंगल ही, लेकिन एसी भी है यहाँ पर। ये कबर्ड भी है, आप यहाँ पर बैग वगैरह कपड़ा वगैरह अपना रख सकते हैं, जूता। बेड से ये थोड़ा सा स्पेस कम लग रहा है रूम में। बाथरूम इसका देखते हैं, टीवी भी है और एसी भी है। बाथरूम भी क्लीन है, गीजर नहीं दिख रहा है तो गीजर का कोई ज़रूरत भी नहीं, लेकिन ठंड में कोई आएगा तो गीजर चाहिए, हो सकता है कि लोग गर्म पानी उपलब्ध कराए बाद में। यहाँ से दोस्तों है व्यू भी, आप कल दिन में दिखेगा यहाँ से बाहर का व्यू। बाकी पर्दा हटाते हैं, बेड ठीक है, क्लीन है, रूम क्लीन है, थोड़ा सा छोटा है दोस्तों। इस रूम के लिए हम लोग, एक रूम के लिए हम लोग पे किए हैं 2200 रुपया हम लोग आज पे किए हैं। आप कभी भी आइए, यहाँ रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं, बहुत अच्छा व्यवस्था है। मैनेजर भी बहुत कोऑपरेटिव है, स्टाफ भी बहुत अच्छे लग रहे हैं।